अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। लॉकडाउन चल रहा है और तंदूर बंद है। अब क्या करें, तंदूर की रोटी खाने का दिल चाह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बना रही हूँ आज आपके लिए तंदूर की गर्मा गर्म और सॉफ्ट रोटी, जो आपने इतनी सॉफ्ट रोटी कभी तंदूर से भी ना खाई होगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने 3 कप मैदा ले लिया है और इसको अच्छी तरीके से छान लिया। मैदा छानने के बाद हमने इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून शुगर और 1/2 कप दही एंड 1/4 कप ऑयल। इन सब चीज़ों को मिक्सिंग अच्छी तरीके से कर लेंगे हम। पहले सब चीज़ अच्छी तरह डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्सिंग हो जाएं तो उसके बाद हम पानी से इसे इसकी डो बना लेंगे। याद रखिएगा कि डो आपकी ना ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, नॉर्मल सी हम डो बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से डो बन गई है हमारी, और ये ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड। ठीक है, इसको हम अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। कम से कम 2 घंटे के लिए आप इसे कवर कर लीजिए ताकि हमारी डो अच्छी तरह राइज हो जाए। हमारे पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे के बाद अब आप देखें आपका ये डो कितनी राइज हो चुकी है। ठीक है, अब इसको एक बार और अच्छे तरीके से थोड़ा सा गूंद लीजिए ताकि अच्छी तरह हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए। अब गूंदने के बाद इसके आप पेड़े बना लीजिए। अब हम पेड़े बनाने के बाद सारे पेड़ों में हम ऑयल लगा देंगे, और ऑयल लगाने के बाद हम इन्हें 5 मिनट तक के लिए कवर करके रख देंगे। जी तो अब हमारे 5 मिनट्स हो चुके हैं। 5 मिनट्स के बाद अब हम इस रोटी को अच्छी तरीके से बेल लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलनी ना ही बहुत ज़्यादा मोटी, बस नॉर्मल सी बेलनी है हमने। रोटी बेलने के बाद हम इसके एक साइड पे पानी लगा देंगे, और जो पानी वाला साइड होगा ना वो तवे पे आना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह पानी लगाने के बाद हम इसे फोक की मदद से होल कर देंगे ताकि रोटी हमारी अच्छी तरह फूले नहीं ज़्यादा और अच्छी तरह पक जाए। अब हम इस ये पानी वाला साइड तवे पे डालेंगे। तवे पे डालने के बाद लो फ्लेम पे आपने इसे रखना है, और ऊपर से आपने ऑयल लगा देना है। जो ऊपर वाला साइड होगा वहाँ पे अच्छी तरह हम ऑयल लगा देंगे। अब लो फ्लेम पे इसे कुक करनी है जब तक अच्छी तरह बबल्स ना बन जाएं। जब बबल्स बन जाए समझ जाएं कि नीचे से ही हमारी पक चुकी है, फिर हम इसे टर्न करेंगे। अब हमारा एक साइड आप देख सकते हैं कि बबल्स बन चुकी हैं अच्छी तरीके से, और फिर अब हम इसको ऐसे करके उल्टा कर देंगे, और उल्टा करके आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पर हम इसे सेक लेंगे अच्छी तरीके से। आप खुद तवे को जो ना मतलब रोटेट कर लें अपने हाथ से जहाँ दिल चाहे। ये देखिए हमारी मज़ेदार रोटी तैयार है। ठीक है, बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से सिक चुकी है, और फ्रंट भी आप इसका देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से बन चुका है। रोटियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं घर पे, और मैं आपको दिखाती चलूँ कि कितनी सॉफ्ट है। ये देखें इतनी सॉफ्ट रोटी, जितनी इतनी सॉफ्ट कि तंदूर से भी कभी आपने इतनी सॉफ्ट रोटी नहीं खाई होगी। ठीक है, और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूँ कितने इजी तरीके से टूट रही है। आप इसको घर पे बनाइए, खूब इंजॉय कीजिए घर वालों। और इसके साथ ही आज मैंने बनाई है मलाई बोटी, जिसकी रेसिपी आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।